हमारे चैनल पर मौजूद हैं वीडियो लेक्चर्स ऑन टोपोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लाटेक्स और बहुत से मैथ के सब्जेक्ट्स के। और ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं है, बल्कि टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज आपने जस्ट जो पॉइंट समझना होता है वही बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिमेट्रिक ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने किस तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक तमाम एलिमेंट्स को बहुत इजीली लिखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने S3, S4 या S5 या S6 कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप है आपके पास, तो आप उसके तमाम एलिमेंट्स को विदाउट एनी मिस्टेक लिख सकते हैं। तो इसके लिए ना आपने मेथड पता क्या फॉलो करना है, उसके लिए फ़र्ज़ करें S3 है, आपने ये देखना है कि S3 में साइक्लिक फॉर्म में कितनी टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहले तो हम टाइप्स लिखना इसमें सीखते हैं। S3 में एलिमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं एक तो आइडेंटिटी टाइप के, या फिर 1-2 टाइप साइकिल शक्ल के, या फिर हो सकते हैं 1-2-3 इस साइकिल शेप के। इसके अलावा और कोई एलिमेंट हमारे पास कोई शक्ल सूरत नहीं बन सकती। अगर S4 है उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं आइडेंटिटी टाइप के, 1-2 टाइप के, 1-2-3 टाइप के, लेकिन इसके अंदर 1-2-3-4 इस शक्ल के भी तो हो सकते हैं ना। इसके अलावा इसके अंदर 1-2-3-4 इस शक्ल के भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, इस टाइप के भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर S5 है, S5 में एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी टाइप के, 1-2 टाइप के, 1-2-3 टाइप के, 1-2-3-4 टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 1-2-3 और 4-5 टाइप के भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 1-2-3-4 इस टाइप के भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 1-2-3-4-5 इस टाइप के हो सकते हैं। तो इसकी हमारे पास तीन टाइप्स बनी, तीन टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 1-2-3-4-5 टाइप के एलिमेंट मिले। इसके अंदर हमारे पास ना कितने एलिमेंट्स हमारे पास मिले, हमें मिले 1-2-3-4-5-6-7 टाइप के एलिमेंट्स मिले, ठीक है। अच्छा, ये जब हम लिख लेते हैं ना, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो है वो एक टाइप के कितने एलिमेंट पाए जा सकते हैं, ठीक है। S3 और S4 जस्ट अगर आपने ये दोनों लिखने हैं तो ये तो बहुत ही सिंपल है। चले पहले हम इसको लिख लेते हैं इनके एलिमेंट्स को, उसके बाद फिर हम S5 की तरफ आएंगे कि S5, S6, S7 यानी इसके एलिमेंट हमने किस तरह से काउंट करने हैं। S3 के तो सिंपल सी हमने कैसे लिखने हैं जी, S3 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पहला तो आइडेंटिटी आ गया, उसके बाद 1-2 टाइप के कितने हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, तीन है ना हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो है 1, 1, 2 और 3, इन तीन के दरमियान 1-2 टाइप के कितने कॉम्बिनेशन मुमकिन है, 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है और 2-3। कैसे किया है, पहला दूसरे से, पहला तीसरे से, उसके बाद दूसरा तीसरे से, उसके बाद हमारे पास आ गया इसमें 1-2-3 और 1-3-2। अच्छा, अब आप यहाँ पर मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर जी 1-2-3 है, 1-3-2 है, ये भी तो हो सकता है 2-3-1, लेकिन पता क्या है आपने एक ही एलिमेंट से हमेशा तमाम एलिमेंट्स को शुरू किया करना है, यानी 1 से शुरू करना है। अब आप इसमें ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर भी 1 से क्यों नहीं शुरू किया हुआ, यहाँ पर 1-2 है, 1-3 है, दो टाइप के थे ना तो इसमें हमने एक ड्रॉप कर दिया, लेकिन तीन में है ना, सारे तीन है, उसमें तमाम जो तीन की पॉसिबल शक्लें हो सकती हैं ना इन तीन के ऊपर, वो एक से ही आपने शुरू करनी है। उसकी रीज़न पता क्या है, 1-2-3 है और ये जो 2-3-1 है ये असल में पता क्या है, साइकिल की फॉर्म में इसे रोटेट कर दो तो 1-2-3 आप इसको पहले ले आओ, यानी 3-2-1-3 और या फिर 2-3-1, ये सारे एक ही एलिमेंट्स हैं क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में देखे रोटेट किया है, 1-2-3, 3-1-2 और 2-3-1, तो ये एक ही एलिमेंट है। इसी तरह से 1-1-3-2 है ना, अगर ये डिफरेंट है 1-3-2, तो 1-3-2 की शक्लें क्या क्या हो सकती हैं, 1-3-2, 2-1-3 और 3-2-1, तो ये सारे एक ही एलिमेंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये तीन ही एलिमेंट हैं तो आप एक से ही इसको शुरू करें, एक तरह के एलिमेंट से ही, ठीक है, उसमें फिर मिस्टेक नहीं हुआ करती, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट्स अब S3 के किस तरह से बने, हमने कैसे लिखने हैं, इसका आसान जो ट्रिक है, S3 के एलिमेंट्स हमारे पास बनेंगे आइडेंटिटी 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3 और 1-3-2, दैट्स इट। तो अब इसमें कैसे हमें पता चला कि ये 1-2-3 है और अगला कैसे लिखना है, सिंपली आपने ये करना है 1-2-3 है ना, इन दोनों को स्किप कर देना है तीन वालों में ना, तो अच्छा तीन वालों में वो उसका ना इन्वर्स बन जाता होता है असल में, ये इन्वर्स वाला आपने वीडियो देखी होगी उसमें भी ये चीज़ है, 1-2-3 है तो आपने साथ में 1-3-2, आखिरी दो को स्किप कर दिया बस,
इस तरीके से आप S3 के लिख सकते हो। पहले तो लिखना इशू ही नहीं, 1 2 3 किया, उसके बाद आखिरी दो को बदल दिया 3 1 3 2 कर दिया। S4 के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं फर्ज करें अगर, तो वो आप 24 एलिमेंट लिखने हैं, वो ज़रा मज़ेदार काम होगा। पहले तो आइडेंटिटी आ गया, उसके बाद अगली टाइप क्या है, 1 2 टाइप के एलिमेंट, यानी दो लेंथ वाले साइकिल, 1 2 1 3। अब उसमें एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, इन चार में से हमने तमाम कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 1 2 1 3 1 4। पहले को बाकी सबसे लिख दिया, अब 2 को उठा लिया, 2 को लिखते जाएंगे, 2 3 2 4, 2 3 और 2 4। उसके बाद हमने 3 को उठा लिया, तो ये हमारे पास आ गया 3 4। हमारे पास एलिमेंट बने आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ठीक है। अब इस वाले तमाम हो गए पूरे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसमें भी आप ये कहो ना, अगर 1 2 है तो फिर 2 1 लिख दिया, तो नहीं, 1 2 और 2 1 एक ही चीज़ है, वो साइकिल ही रोटेट किया है। तो आपने एक तरतीब से ही एलिमेंट, अब देखें ना, 1 से था, उसके बाद 2 था, तो 3 2 ना लिखें आप, तरतीब से पहले 2 है तो पहले 2 लिखें, बाद में आप 3 लिखें, और आप 3 2 और 2 3 ये एक ही चीज़ है। तो हमारे पास आ गया आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4, 4 3 की नहीं लिख सकते क्योंकि 3 4 4 3 एक ही चीज़ है। ये एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद आगे हमने एलिमेंट्स क्या लिखने हैं, अब 3 साइकिल शेप वाले लिखने हैं ना। तो अब इसमें आप देखें कि अब 4 है ना टोटल, 3 वाले लिखने हैं, तो पहले जो 3 वाले हैं ना, आप ये देखते जाएं कि किसको छोड़ना है, समझ रहे हैं। पहले हम 4 को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट बनेगा 1 2 3। अब 1 2 3 आ गया ना, 7 हमने इसका इनवर्स लिख देना है। वो मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 है, तो ये आखिरी दो स्किप कर दो, मतलब आखिरी दो को ना शफल कर दो, 1 3 2 आ गया साथ में। 4 को छोड़ा था ना, उससे 2 बन गए, 1 को छोड़ा है उससे आगे 2 बने हैं, 1 2 3 और 1 3 2। अब मैं 3 को स्किप कर दूंगा, तो तरतीब से लिखूंगा 1 2 4, और उसके बाद इन दोनों को स्किप किया तो क्या बन गया, 1 4 2। अच्छा, अब मैंने 3 को स्किप किया, अब मैं 2 को स्किप कर देता हूँ, मेरे पास क्या बन गया, 1 3 4, 2 को छोड़ा ना, 1 3 4, और आखिरी 2 को फिर स्किप किया तो मेरे पास हो गया 1 4 3। इसी तरह फिर पहले वाले को स्किप कर देता हूँ तो क्या बन गया, 2 3 4, और फिर आखिरी 2 को स्किप आपस में शफल किया तो क्या बन गया, 2 4 3। तो इस तरीके से ये हमारे पास एलिमेंट्स बन गए। तो आइडेंटिटी वाले हो गए 1 2 3 साइकिल शेप वाले हो गए। अब इस तरह वाले लिखने हैं, इस तरह वाले हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या बन सकते हैं, वो इसके जो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो 2 साइकिल शेप के बने हैं, वो हमारे पास बन सकते हैं 1 2 और 3 4। 1 और 2 को इकट्ठा किया है, आप ये देखें कि 1 2 को इकट्ठा किया, बाकी दोनों अलहदा इकट्ठे कर दिए। उसके बाद 1 2 को इकट्ठा किया था, आप 1 3 को इकट्ठा कर दें, बाकी क्या बचे, 2 और 4, उनको इकट्ठा लिख दें। उसके बाद 1 और 4 को इकट्ठा कर दें, बाकी जो बचे 2 और 3, उनको इकट्ठा कर दिए। बस यही इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 2 साइकिल शेप के ना। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने जनाब, अब हमने लिखने हैं, ये तमाम हो गए हैं, अब 4 साइकिल शेप वाले तमाम लिखने हैं। उसमें पहले नंबर पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। आगे अब बता क्या आगे इसके लिए कैटरिक फॉलो क्या करना है, आगे इसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ जब आपने सीख ली ना, तो वो तमाम एलिमेंट्स लिखना ना सिमेट्रिक ग्रुप के बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आपने चलाना है ट्री एल्गोरिदम। ट्री एल्गोरिदम हमारे पास किस तरीके से बनेगा, इसके 4 से आगे जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, उसमें ये कि आप ये लिखो, यहाँ पर लिखो 1। अब 4 एलिमेंट आना, तो 1 जो है वो 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, और 4 पे भी जा सकता है। अब 1 और 2 हो गए ना, आगे 2 जो है वो 3 पे जा सकता है और 4 पे जा सकता है। इसी तरह 1 और 3 हो गया, बाकी बचा 2 और 4, आगे 2 पे जा सकता है और 4 पे जा सकता है। 1 और 4 हो गए, आगे 2 पे जा सकता है और 3 पे जा सकता है। तो ये तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए, 1 2 3 और आगे 3 किस पे फिर जाएगा, 4 पे, 1 2 4 4 आगे किस पे जाएगा, 3 पे, 1 3 2 2 आगे किस पे जाएगा, 1 3 2 हो गया, 4 बचा, 4 पे, 1 3 4 4 आगे किस पे जाएगा, 2 पे, 1 4 2 2 किस पे जाएगा आगे, 3 पे, 1 4 3 3 किस पे जाएगा, 2 पे। अब इनको तमाम को साइकिल की शक्ल में लिख दें, पहला हो गया 1 2 3 4, ये हो चुका है, आगे 1 2 4 3, 1 2 4 3, उसके बाद 1 3 2 4, 1 3 2 4, उसके बाद 1 3 4 2, यानी 1 3 4 2, उसके बाद 1 4 2 3, 1 4 2 3 और 1 4 3 2, 1 4 3 2। तो ये हमारे पास 24 के 24 एलिमेंट हो चुके हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24।
तो बगैर किसी मिस्टेक के हमने एस फोर के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लिए। तो ये जो असल जो ट्रिक है ना, वो अब आगे हम इसमें से भी जब लेके चलेंगे ना, वो ये ट्री एल्गोरिदम की है कि हम इस तरीके से तमाम एलिमेंट्स की जो तादाद है वो मतलब पॉसिबिलिटीज देखते जाएंगे और उनको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एस। अब यहाँ तक तो बहुत आसान है, एस फाइव पर जब हम लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखने हैं और उसके लिए क्या मेथड फॉलो करना है, तो इसको हम बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर लें। अच्छा, एस फोर के एस फाइव के जब आपने एलिमेंट लिखने हैं ना, उसके बाद आपने ये जब टाइप्स बन गई, आपके पास सात टाइप्स बन गई, तो इसमें से ना हर टाइप में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये तादाद लिखनी है। इन अदर वर्ड्स ना, ये असल में कॉन्जुगेसी क्लासेज हैं, हम इसकी बहस में नहीं जा रहे कॉन्जुगेसी क्लासेज साइज है, तो उसका फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी वाला तो एक ही एलिमेंट होता है, वही आ जाएगा। वन टू शक्ल वाले कितने एलिमेंट हैं, तो उसके लिए पता क्या करना है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर दो साइकिल लेंथ वाला एक एलिमेंट है, आप इसे ऐसे लिखोगे एस फाइव है ना, ऊपर लिख दोगे फाइव का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखोगे, अब ये दो साइकिल लेंथ वाला एक है ना, दो साइकिल लेंथ वाला एक है, तो दो की पावर एक साथ आगे वो जो पावर है ना, इस पावर का फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल। उसके बाद अब इसमें वन टू अगर है, वन टू असल में पता है क्या, वन टू थ्री अपने आप पे, फोर अपने आप पे और फाइव अपने आप पे, ये तो हमें पता है ना कि वन गया टू पे, बाकी सारे अपने आप पे फिक्स हैं, जो नहीं होते ना वो अपने आप पे फिक्स हुए होते हैं। तो दो साइकिल लेंथ वाला एक है, और एक वाले कितने हैं, एक वाले तीन हैं जो इसमें नजर नहीं आ रहे, एक वाले तीन है, तो एक की पावर तीन और साथ में तीन फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, बनता है पांच फैक्टोरियल बटा दो इंटू तीन दुनी छः, बारह, फाइव फैक्टोरियल होता है 120, 120 बटा 12 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 10। ठीक है, इस ये हमने अब ये तमाम कैलकुलेट करके लिखने हैं कि इनकी तादाद कितनी आनी है, ताकि अगर कहीं मिस्टेक होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें इतने होने चाहिए थे, इतने लिखे हैं तो यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये हो गए, इसी तरह से ये फार्मूला आप दोबारा लिखते हैं, जैसे अब इसमें है वन टू थ्री, फिर दोबारा फाइव फैक्टोरियल ओवर, अब इसके अंदर तीन साइकिल वाला एक है, तीन की पावर एक, आगे एक का फैक्टोरियल, जो पावर होती है उसके साथ एक उसका फैक्टोरियल आ जाता है, एक फैक्टोरियल। उसके बाद अब एक वाले इसमें कितने हैं, दो, यानी दो एलिमेंट इसमें ऐसे हैं, पांच थे ना टोटल, दो जो हैं अपने आप पे फिक्स्ड हैं, तो लिखूंगा एक वाले दो, यानी एक की पावर दो साथ में दो फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया, पांच फैक्टोरियल ओवर तीन, और दो फैक्टोरियल दो ही है, तीन डॉट दो, तो ये हमारे पास बन गया पांच फैक्टोरियल बटा छः, 120 बटा छः हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है छः दुनी बारह 20 है, आई थिंक 20, तो ये हमारे पास आ गए 20। इसी तरह अब हम इसके निकालेंगे, तो अब इसमें हमारे पास क्या है, फाइव फैक्टोरियल बटे में दो की साइकिल लेंथ वाले हमारे पास दो हैं, साथ में इसी दो का, दो की पावर दो, क्योंकि दो वाले इसमें दो हैं, दो साइकिल छः वाले दो हैं, दो की दो और साथ में ऊपर वाले जो पावर है उसका फैक्टोरियल। और एक वाले कितने हैं, एक की पावर एक, यानी एक एलिमेंट बचाना, वो अपने आप पे फिक्स है, एक की पावर एक और एक फैक्टोरियल लिखे हैं ना लिखे हैं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास पाँच फैक्टोरियल बटा दो दुनी चार, चार दुनी आठ, ठीक है, 120 बटा आठ हमारे पास क्या होता है जी, चार आठ कम आठ, आठ इक्कम आठ, चालीस आठ पाँच चालीस, आई थिंक 15 जवाब आएगा, 15 आठ 120, तो ये आ गया जी। इसी तरीके से हम बाकी तमाम को लिखते जाएंगे। वो किस तरीके से लिखे जाएंगे कि हाँ, अब ये हैं फाइव फैक्टोरियल ओवर वन टू थ्री, यानी तीन साइकिल लेंथ वाला एक है और साथ एक का फैक्टोरियल आ गया, वो एक ही है। उसके बाद दो साइकिल लेंथ वाला एक है, दो की पावर एक और साथ में एक का फैक्टोरियल, वो एक ही है, दो तीन छः, फिर छः यही हुआ, तो ये हमारे पास हो गया पाँच फैक्टोरियल बटा छः, और ये हमारे पास छः दूनी बारह बीस, बीस एलिमेंट ये आ गए। इसी तरह इस पे लगाएंगे तो फाइव फैक्टोरियल ओवर चार की पावर एक और एक फैक्टोरियल, और एक की पावर एक और एक फैक्टोरियल, वो भाई आ गया क्योंकि एक एलिमेंट अपने आप पे फिक्स्ड है, तो ये हो गया पांच फैक्टोरियल बटा चार, पाँच चौक वी, अच्छा
अब ये हमारा बन गया 120, 4 3 12 और आई थिंक 30 ये बन गया। ठीक है, उसके बाद 5 फैक्टोरियल बटा 5 ये आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 की सेकंड वाला 1 है, 5 की पावर 1 × 1 फैक्टोरियल 1 और आगे और कोई है ही नहीं, तो ये 5 बटा 5 फैक्टोरियल बटा 5 ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल हो गया, जो कि हमारे पास आया 4 3 12 2 24 24, ये 24 एलिमेंट ये आ गए। तो ये हमें पता चल गया कि इस इतनी इतनी साइकिल लेंथ वाले ना इतने एलिमेंट्स होंगे, ये फार्मूला आपने लगाना सीखना था। ये आगे S6 S7 में तमाम में ये फार्मूला बड़ा इजीली अप्लाई होगा, आपको उस साइकिल शेप वाले कितने एलिमेंट बनने हैं ये पता चल जाएगा और बड़े इजीली आप वो एलिमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, अब अगर आपने ये काम ठीक किया या गलत किया इसको आपको कैसे पता चलेगा, इन सारों को जमा करो। 5 फैक्टोरियल का जवाब हमारे पास हुआ करता है 100, टोटल एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए 120। क्या ये 120 बनते हैं? देखें, 10 और 20 30 30 30 60 60 और 20 80 80 और 15 95 95 और 500 और वो 120, तो टोटल एलिमेंट 120 जो है वो पूरे आ जाते हैं। अब वो एलिमेंट लिखने कैसे हैं, S5 के 120 एलिमेंट कैसे लिखने हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर देंगे, अल्लाह खैर के देखिए, ये 120 पूरे एलिमेंट हम लिख लेंगे, कोई इशू ही नहीं होगा। और उसका लिखने का हर चीज़ मैं आपको गाइड करूँगा कि इसमें सबसे पहले तो S5 में हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी, ये तो पूरा हो गया। अब 1 2 साइकिल साइकिल वाले लिखने हैं, तो एक तो ये लिख लेते हैं कि जी 1 2 3 4 5 इनके हम कम्बिनेशन बना रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं जी 1 2 1 3 1 4 1 5, उसके बाद 2 3 2 4 और 2 5, उसके बाद 3 4 3 5, उसके बाद 4 5। देखें एलिमेंट्स पूरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये 10 पूरे हो गए। अब 20 हमने 1 2 3 टाइप की शक्ल के बनाने हैं। अब इसमें वही ट्रिक है, ये देखते जाओ कि कौन से ड्रॉप करने हैं, 3 साइकिल लेंथ बनाने हैं ना, कौन कौन से ड्रॉप करने हैं, यही मेरा पॉइंट ज़रा पिक करना। तो ड्रॉप करने वाले ये आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, आप पहले 1 2 को ड्रॉप कर दो, इसको ड्रॉप करो, इन तमाम को ये जो कॉम्बिनेशन दिए हुए ना इनको ड्रॉप करो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जनरेट हो गए। यानी आपने 1 2 ड्रॉप किया, बाकी एलिमेंट बचे 3 4 5, साथ ही 3 4 5 का इन्वर्स लिखोगे, कैसे, 3 5 4, आखिरी दोनों को शफल कर दिया। अब ये 1 2 ड्रॉप करने से 2 बन गए, इसी तरह 1 3 को ड्रॉप करने से 2 बनेंगे, 1 3 को ड्रॉप किया था आपके पास बचे 2 4 5 और साथ ही उसका इन्वर्स आ गया 2 5 4। यानी हर एक एलिमेंट को ड्रॉप करने से आपके पास कितने एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं, 2 2 1 2। ठीक है, इसी तरीके से हमने 1 4 को अगर ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 2 3 5 और साथ उसका इन्वर्स लिख देंगे 2 5 3। उसके बाद हमने 1 4 को ड्रॉप किया ना, अब 1 5 को ड्रॉप करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 और साथ में 2 4 3। उसके बाद हमने 2 3 को ड्रॉप करना है तो उसमें हमारे पास आ जाएगा 1 4 5 और 1 5 4। इसी तरह 2 4 को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 और साथ में आ जाएगा 1 5 3। इसी तरह हम 2 5 को ड्रॉप किया, 2 4 को ड्रॉप किया, अब हमने 2 5 को ड्रॉप करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 और 1 4 3। उसके बाद हमने ड्रॉप करना है, 2 5 को कर दिया, 3 4 को ड्रॉप करना है, इस पर निशान लगाते जाए मेरे ख्याल है। अब हमने 3 4 को ड्रॉप कर रहे हैं, 3 4 को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 5 और 1 5 2, और इसी तरह से 1 3 5 को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 और 1 4 2। अब इसी तरह से हम 3 5 को हमने ड्रॉप कर दिया है, अब हम 4 5 को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और 1 3 2। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट जो हैं वो कितने बने इस केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 भी हमारे पास कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये 15 एलिमेंट बनाना चाहते हैं। इन 15 को ड्रॉप बनाने के लिए भी आप ये देखोगे कि किसको ड्रॉप करना है, यानी पहले 4 ने उठाने हैं, 5 को ड्रॉप किया तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 और मजीद। अब इन 4 के तमाम, 1 को 2 से लगाया ना, 1 को 3 से लगाया फिर 1 को 4 से, कैसे, 1 को 2 से लगाया बाकी बचे 3 4, 1 को 3 से लगाया बाकी बचे 2 4, 1 को 4 से लगाया बाकी बचे 2 3,
पांच को ड्रॉप करने से हमारे पास तीन एलिमेंट जनरेट हो गए। इसी तरीके से इन तमाम को ड्रॉप करने से तीन तीन जनरेट होंगे और 15 एलिमेंट पूरे हो जाएंगे। करते हैं, चार को ड्रॉप किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 2 3 5, उसके बाद 1 3 2 5, उसके बाद 1 5 और 2 3, तीन एलिमेंट इससे जनरेट हो गए चार को ड्रॉप करने से। उसके बाद तीन को ड्रॉप कर रहे हैं 1 2 4 5, 1 4 2 5 और 1 5 2 4, ये आ गया। ठीक है जी, इसी तरह अब हमने 3 ड्रॉप किया था, अब हम 2 ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास आ गया 1 3 1 3 4 5 1 4 3 5 और 1 5 3 4। इसी तरीके से अब हम 1 को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 3 4 5 2 5 नहीं 2 4 3 5 और 2 5 3 4। तो ये हमारे पास 15 एलिमेंट हमारे पास ये जनरेट हो गए होंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 ये कंप्लीट हो गए। इसी तरह अब 30 एलिमेंट हमने ये जनरेट करने हैं। सिंपली एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी चार के वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो जिस तरह से हमने प्रीवियस वाले में बनाया 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हर एलिमेंट एक को छोड़ने के साथ 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 30 ये एलिमेंट पूरे हो जाएंगे। अगर यहाँ तक आपने एलिमेंट्स लिख लिए होंगे अभी तक, अगर आप साथ का साथ काम करते जा रहे हैं तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए बाकी तमाम लिखने के। अगर नहीं थे किए तो आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो को इसको पॉज करके तमाम एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने लिखने हैं जी 4 साइकिल लेंथ वाले सारे ना, तो उसके लिए अब क्या करना है, पहले एक 5 को हम ड्रॉप करेंगे। 5 को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट बने 1 2 3 4। क्लियर करके लिखते हैं इसको 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसकी अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपको ट्री डायग्राम नहीं बनानी पड़ेगी, नहीं तो इसकी डायग्राम बना लें कि 1 गया 2 पे 3 पे 4 पे, 2 गया आगे 3 पे 4 पे, 3 गया आगे 2 पे 4 पे, 4 गया आगे 3 पे 2 पे, 1 2 4 आगे 3, 1 2 3 आगे 4, 1 3 2 आगे 4, 1 3 4 आगे 2, 1 4 3 आगे 2 और 1 4 2 आगे 3। अब इनको तमाम को इसने लिखना है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, आगे 1 2 4 3 आ जाएगा, ये पहले लिखा हुआ था ये आ गया। इसी तरीके से 1 3 1 3 2 4 आ गया, इसी तरीके से 1 3 4 2 आ गया, इसी तरीके से 1 4 3 2 आ गया, इसी तरीके से 1 4 2 3 आ गया। 6 एलिमेंट हो गया ना, 6 एलिमेंट कैसे बने हैं, सिर्फ एक 5 को ड्रॉप करने पर। अब इसी तरीके से 4 को ड्रॉप करने पे 6 बनेंगे, 3 को ड्रॉप करने पे 6 बनेंगे, 2 को ड्रॉप करने पे 6 बनेंगे, 1 को ड्रॉप करने पे 6 बनेंगे। तो ये बाकी के आप तमाम बनाइएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो फजूल में हमें मैं आपका डाटा ना ज़ाया करवाऊँ, बाकी आप आराम से पास करके अपनी वीडियो बना ये बाकी के एलिमेंट बनाइएगा। मैं एक आपको और बना देता हूँ, फर्ज करें मैं 3 ड्रॉप करके अब 6 बनाना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास अब बाकी जो एलिमेंट बने 3 ड्रॉप के तो बाकी हैं 1 2 4 5, तो उनके अब कम्बिनेशन मैंने लिखने हैं। मैं लिखूंगा 1 गया 2 पे 3 पे और 5 पे, 1 गया 2 पे 2 आगे गया 4 पे और 5 पे, 1 गया 4 पे 4 आगे गया 2 पे 5 पे, 1 5 पे 5 आगे गया 2 पे और 4 पे, 1 2 4 आगे 5, 1 2 5 आगे 4, 1 4 2 आगे 5, 1 4 5 आगे 2, 1 5 2 आगे 4, 1 5 4 आगे 2। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास बन गई हैं। वो 6 एलिमेंट कैसे लिखेंगे हम, 1 2 4 5, 1 2 5 4, 1 4 2 5, 1 4 5 2, 1 5 2 4,
1, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट इस तरह से बन गए, यानी हर एक को ड्रॉप करने से आपके पास 6 एलिमेंट जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 5 दफ़ा 6 होंगे तो 30 एलिमेंट ये आपके पास पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब 24 एलिमेंट ये किस तरीके से लिखने हैं, सिंपली इसके लिए आप एक ही ट्री बना लें बड़ा सारा, उससे ही आपके पास ये 24 एलिमेंट जो हैं वो जनरेट होकर आ जाएंगे। उसको कैसे बनाना है, हमने 5 एलिमेंट्स का ना, वैसे मैंने जब रजिस्टर पर बनाया था तो पता नहीं अभी यहाँ पर पूरा आता ही नहीं है, वो काफ़ी बड़ा ट्री बनता है, कोशिश करते हैं बनाने की उसको। चलें इस जगह बनाते हैं कि 1 गया आगे 2 पे, थोड़ा सा लेंथी करते हैं, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, 2 आगे गया, 3 पे 4 पे 5 पे, 3 आगे गया, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, हाँ 1, 2, अच्छा 3, 1, 2, 3, 3 आगे गया 4 पे भी और 5 पे भी, 1, 2, 4 आगे गया 3 पे और 5 पे, 1, 2, 5 आगे गया 4 पे और 3 पे। ये देखे ना, 1 पे ही ये इतना बड़ा सारा एक ट्री बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 को अगर आप थोड़ी सी स्पेस दे के मज़ीद इसके अगर एलिमेंट्स बनाते जाएँ, 1, 2, 3, 4 आगे 5 पे, 1, 2, 3, 5 आगे 4 पे, 1, 2, 4, 3 आगे, 1, 2, 4, 3 आगे 5, 1, 2, 4, 5 आगे 3, 1, 2, 5, 4 जो बचा है, यानी 1, 2, 5, 4 आगे 3, 1, 2, 5, 3 आगे 4। तो ये देखें, इससे 1 जो 2 पे गया ना, उससे आगे इसने 6 पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं, 6 इसके लिए बनाएगा, 24 पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो इन तमाम पॉसिबिलिटीज को चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं आसानी के लिए। हम लिख लेते हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4, उसके बाद 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 3, उसके बाद 1, 2, 5, 4, 3 और 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ आ गई सिर्फ 1, 2 से। अब 1, 3 से इसी तरह 6 आएंगी, 1, 4 से इसी तरह 6 आएंगी, 1, 5 से इसी तरह 6 आएंगी। मिसाल के तौर पर फर्ज करो मैं 5 से बनाना चाहता हूँ, आप इसको मिटा के, या तो एक आपने इधर बना दिया, अगला आप अगले सफ़े पर बना लें, अगला अगले 6 और अगले सफ़े पर बना लें, तो आपको स्पेस क्रिएट हो जाएगी, या हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको मिटा देते हैं तो मेरे पास बाकी एलिमेंट्स के लिए स्पेस बन जाएगी। ये हो गया ना, तो अब 3 से आगे वो किस तरह से बनेगा, 1, 2, 3 आगे 4, 5, सॉरी तरतीब से लिखने हैं एलिमेंट, 1, 3, 2, 4 और 5, 1, 3, 2 आगे 4, 5, 1, 3, 4 आगे 2, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 2 और 1, 3, 5, 4, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 5, 4, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 4, 2। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशनें ये आ गई, इनको आप लिख लो। आप लिखोगे जी 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 5, 4, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 5, 2, उसके बाद 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 4, 2। तो इस तरीके से 6 एलिमेंट ये बन गए, और इन तमाम के लिए इस तरह 6 एलिमेंट बनेंगे तो 24 एलिमेंट ये पूरे हो जाएंगे। तो ये तमाम एलिमेंट्स जब आप लिख लेंगे तो आपके पास S5 के तमाम 120 एलिमेंट इस तरह से बन जाएंगे। अच्छा, इसकी थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मैंने बजाते खुद S6 के, S7 के, S8 के एलिमेंट्स बनाए हुए हैं और बन जाते हैं। हर दफ़ा आपको ये इतने बड़े बड़े ट्रीज भी नहीं बनाने पड़ेंगे, जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर ये ट्री आपके माइंड में बन जाता है। यानी मैं अब इसके मजीद एलिमेंट्स अगर लिखना चाहूँ ना, अब ये हो गया 1, 2 के हो गए, 1, 3 के हो गए, अगला अब मैं बगैर ट्री के अगर एलिमेंट लिखता हूँ तो मैं पता किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, बाकी क्या बचे, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 5, 3,
एक चार दो था ना, 1 4 3 2 5 और 1 4 1 4 3 5 2, उसके बाद 1 4 5 2 3 और उसके बाद 1 4 5 3 2, तो ये 6 एलिमेंट बन गए। मुझे ट्री नहीं बनाना पड़ा, लेकिन मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि वो बन जाते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो S5 के 120 एलिमेंट जो दिखने में आपको, अभी वीडियो आधे घंटे की होगी है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वो एलिमेंट्स आपके लिए लिखना 5 मिनट की बात होगी। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इतनी लगती है, आप बस टक 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 करके ना वो एलिमेंट्स लिखते जाओगे। तो एक दफा प्रैक्टिस करके S5 के तमाम एलिमेंट्स लिखिएगा, S4 के लिख लें, S3 के लिख लें, उससे बड़े इजीली आपके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सिमेट्रिक ग्रुप के इन मेथड्स को यूज करते हुए ना कभी मिस्टेक नहीं होगी। आप अगर कहीं फर्ज को आपने मिस किया, फर्ज को मैं ये लिखना भूल गया हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर इतने बनने चाहिए थे, ठीक है, इतने बने हैं, इसका मतलब है यहाँ कहीं कोई रह गए, तो मैं वो लिख लूंगा। इस तरीके से आप सिमेट्रिक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को बहुत इजीली लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।